आज हम बनाएंगे बिहार की स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है ठेकुआ। ये ठेकुआ हेल्दी बनता है क्योंकि हम इसे आटे से बनाएंगे और इसमें चीनी के जगह गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको भी आज की रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो चीनी ले सकते हैं, चीनी को पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ का पाउडर लिया है, अगर आपके पास गुड़ है तो आप उसे घिस सकते हैं, कद्दूकस कर सकते हैं। अब ये जो गुड़ का पाउडर होता है ये इजीली डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है पानी के साथ में, तो आप ये भी ले सकते हैं जो आपके पास है वो यूज़ करें। फिर हम इसमें आधे कप जितना पानी ऐड कर देंगे, पानी को गुनगुना कर लें, उसके बाद गुड़ में डाल दें। इस तरह से आप गुड़ को मिक्स कर दें पानी में ताकि ये घुल जाए और बस कुछ ही मिनटों में ये घुल के तैयार हो जाएगा, इसमें पूरी तरह से ये मेल्ट हो जाएगा। अब जब तक हमारा गुड़ इसमें घुल रहा है पानी में तब तक हम तैयार कर लेते हैं आटा। डो तैयार करने के लिए हम यहाँ पे 2 कप जितना आटा ले लेंगे। ये जो ठेकुए हैं ट्रेडिशनली आटे से ही बनते हैं। अब आपको यहाँ पे सूजी डाल देनी है 1/4 कप, थोड़ी सी ही सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, क्रंच बहुत अच्छा आएगा सूजी की वजह से। अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं सूजी। इसके साथ ही हम यहाँ पर घी डाल देते हैं 1/4 कप। घी आपको इस तरह से मेल्टेड लेना है या फिर रूम टेम्परेचर पर लें। घी डालने के बाद आप इसे अच्छे से पहले मिक्स कर दें। इसका हम मोइन तैयार करेंगे। सूजी आपको बारीक इस्तेमाल करनी है, आटा आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, मतलब मोटा पतला जैसा जिस भी तरीके का आटा है आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको घी या तेल कितना डालना है वो आपको कैसे पता चलेगा, आप देख सकते हैं मैंने घी इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आप इसे हाथों से इस तरह से दबाएंगे तो आप देख सकते हैं इसका लड्डू तैयार हो रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा घी की मात्रा है इसमें वो एकदम परफेक्ट है, ना कम है ना ज़्यादा है। तो इसलिए आप इस तरह से इसे खस्ता बनाने के लिए चेक कर सकते हैं आपने घी या तेल सही मात्रा में डाला है या नहीं। फिर इसमें फ्लेवर देने के लिए थोड़ी सी सौंफ डाल देते हैं, अगर आपको पसंद ज़्यादा है तो आप ज़्यादा मात्रा में भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर डाल देते हैं इसमें टेस्ट के लिए 1/4 छोटा चम्मच, और साथ ही में यहाँ पर और भी ज़्यादा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डाल देते हैं सीसम सीड्स यानी सफ़ेद वाले तिल। तिल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे कोई और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ये नारियल डाल देना है, ठेकुओं में नारियल ज़रूर डालें। मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है यानी नारियल का बुरादा लिया है। आप चाहें तो सूखा जो गोला आता है उसे घिस सकते हैं, कद्दूकस कर लें और इसमें वो ऐड कर दें, उससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपके पास जो भी है आप वो इस्तेमाल करें। आप अपने पसंद के इसमें ड्राई फ्रूट डालें, नारियल अच्छा लगता है इसमें नारियल ज़रूर डालें, तो इस तरह से आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब बारी आती है गुड़ का पानी डालने की। तो पानी आपको गुड़ में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आधा कप पानी डालें 1 कप गुड़ में। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे, क्योंकि इतना पानी हम यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा पानी हो जाएगा तो मिठास कम हो जाएगी। यहाँ पे हमने गुड़ को जो है छान दिया है, फिर हम ऐड करेंगे, क्योंकि गुड़ में बहुत ही इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो आप इस तरह से इसे छान के फिर इस्तेमाल करें। ये जो गुड़ का पानी है आपको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ बिल्कुल नहीं डालें, तो आप अच्छे से इसे मिक्स कर लें। इसका हमें एकदम हार्ड डो तैयार करना है, पूरी तरह से आपको नीड नहीं करना है आटे को, बस आपको एक हार्ड सा डो बना लेना है ताकि ये स्ट्रक्चर इसका बन जाए और ये बाइंड हो जाए, इतना आपको इसको तैयार करना है। तो ऐसा ना करें आप बहुत ज़्यादा ये गुड़ का पानी डाल दें और फिर वो एकदम लूज़ हो जाए, उससे आपके जो ठेकुए हैं वो बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगे। अगर आप खस्ता बनाना चाहते हैं तो गुड़ का ये जो पानी है एक तो वो कम घोलें और फिर उसको हिसाब से डालें। अगर आपको लगे कि आपको गुड़ का जो पानी है वो कम लग रहा है और आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप और पानी डाल सकते हैं नॉर्मल वाला, और आप इस तरह से इसको बाइंड कर लें। ये देखिए हो गया है ना हमारे यहाँ पे ये आटा तैयार। अब आप इसे ठेकुए बना सकते हैं, और ये पूरी तरह से हार्ड है, इसी तरह का हमें डो तैयार करना है। फिर हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे, तो एकदम छोटे साइज़ के बनाएंगे, अगर आप बहुत मोटा ले लेंगे तो वो खस्ता नहीं होगा। तो जैसे ही हमारा ये जो पोर्शन है थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, उसके बाद हाथों पर लेके इसे हम थोड़ा सा लंबा करके, जैसे ओवल शेप होता है इस तरह से हम इसे बना लेंगे शेप में। ठेकुए का शेप इस तरह का अच्छा लगता है, आप अपने पसंद से जैसे चाहें बना सकते हैं। फिर हम इसे क्या करते हैं, डिज़ाइन दे देते हैं। तो बस ये नॉर्मल चम्मच है मेरे पास, स्पून से हम इसे डिज़ाइन दे देंगे। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
तो एकदम सिंपल सा है, बिना सांचे के बन गया है। आपको सांचे की ज़रूरत भी नहीं है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, और दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक ठेकुआ हमारा तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा डिज़ाइन। ये वाला डिज़ाइन हम गोल बनाएंगे, तो बस आपको इस पोर्शन को स्मूथ कर देना है अपने हाथों में लेके, और फिर इस तरह से इसको हाथों में लेके हल्का सा चपटा कर लें। ये देखिए, पहले आपको इस तरह से ये मटरी की शेप दे देनी है इसको, उसके बाद हम इस पर डिज़ाइन दे देते हैं एक फोक की मदद से। तो आप इस तरह से एक कांटा ले लें और इसे प्रेस कर दें इस पर अच्छे से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये वाला डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़े गहरे मार्क्स बनाएं, क्योंकि तलते समय क्या होगा कि ये हल्के नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ठेकुए का शेप कितना अच्छा आ गया है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, एकदम बिस्किट जैसा। तो अब यहाँ पे मैं दो तरीके के ठेकुए बना रही हूँ, यानी दो डिज़ाइन के बनाने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से सांचे से भी बना सकते हैं, तो जो डिज़ाइन आपको पसंद है वो बनाएं। और यहाँ पे मैंने दो टाइप के ठेकुए बना लिए हैं, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं आप वैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें हम तलने की तैयारी करते हैं। तलने के लिए तेल को गर्म होने के लिए रख दें, और जैसे ही तेल आपका गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का गर्म रहना चाहिए तेल, उसके बाद हम इसमें ठेकुए डालना शुरू कर देते हैं। तो एक डिज़ाइन के हम एक साथ तल लेंगे, और दूसरे डिज़ाइन के वो हम बाद में तलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप तेल ज़्यादा लें और कढ़ाई भी जो है थोड़ी बड़ी ले लें, ताकि अच्छे से उसमें ठेकुए आ जाएं, क्योंकि ये तलने में समय लेते हैं। हम इसे हल्के आंच पे तलेंगे अलटते पलटते हुए। तो एक तरफ से ये सिक चुके हैं, तल चुके हैं, तो इसे हम पलट देंगे, और दूसरे तरफ से भी हम इसे तल लेंगे। हम यहाँ पे इसे हल्के आंच पे ही तलेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी और अच्छे से फ्राई हों। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे तल लेंगे तो ये ऊपर से बहुत जल्दी डार्क होंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एकदम एक्स्ट्रा खस्ता चाहिए तो हल्के आंच पे इसे आपको तलना होगा। और जैसे ही ये आपको दिखे कि ये गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं, उसके बाद आप इसे निकाल लें। इनका कलर डार्क ही आता है हल्का सा, क्योंकि ये आटे से बने हैं, प्लस हमने इसमें गुड़ भी इस्तेमाल किया है, तो उसका रंग जो है आता ही है। आप देख सकते हैं हमारा ये एक बैच जो है तैयार हो गया है। अब सेम इसी तेल में हम दूसरा बैच भी डाल देते हैं। तो सेम इसी तेल में ये जो हमारे दूसरे डिज़ाइन वाले हैं, ये डाल देते हैं इसमें, और इसी तरह से आपको इनको तलना होगा। इस ठेकुए को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। आपके यहाँ पर किस नाम से बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला बैच भी हमारा अच्छे से तल चुका है, और आप देख सकते हैं इनमें क्रैक्स बहुत आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे ये जो ठेकुए हैं वो बहुत ही खस्ता और बढ़िया बने हैं। क्रैक्स आना ज़रूरी है, तो आप ऐसे घबराएं नहीं कि इनकी शेप ख़राब हो गई है, बल्कि क्रैक्स आना ज़रूरी है। उससे निशानी इसकी ये है कि बहुत ही अच्छे से फ्राई हुए हैं और खस्ता बहुत बने हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए, अभी ये गर्म है ना, तो थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है। अब ये पूरी तरह से ठंडा है, तो आप देख सकते हैं मैंने इसे तोड़ा तो ये कितना क्रिस्पी लग रहा है। तो आप भी इस ठेकुए की रेसिपी को इसी तरह से ट्राई करें, आपके ठेकुए बहुत ही टेस्टी बनेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।